बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस हम सब के पसंदीदा होते हैं और ये सारी चीज़ें मैदे से बनाई जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मैदा बनाने के प्रोसेस में उसके 97% पोषक तत्व मर जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी है और हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बिल्कुल कम समय में बनकर बहुत ही हेल्दी सा और टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चों का भी बहुत पसंदीदा आइटम है, तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कटोरी मैंने ये सूजी ले ली है और आप किसी भी कटोरी या कप से मेजरमेंट सेट कर लें और फिर सारे मेजरमेंट आप उसी से करें। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी सूजी ली है, तो आधी कटोरी मैंने दही ले लिया है और एक कटोरी पानी ले लिया है और यहाँ पर पानी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, बाद में यूज़ करूँगी। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक और नमक डालकर फिर से इसे मिक्स करेंगे और देखेंगे कि ये थोड़ा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला सा ही इसका बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्योंकि अभी हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे 15 मिनट के लिए, तो उतनी देर में सूजी फूल जाएगी। तो अगर आपका ये बैटर ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, फिर आपको बाद में इसे पतला करना पड़ेगा। तो इसलिए एक कटोरी सूजी के लिए एक कटोरी पानी और आधी कटोरी दही एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। देख सकते हैं बैटर आपका इसी तरीके के रहना चाहिए। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए, तब तक हम अपनी स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 आलूओं को बॉईल करके इसे मैश कर लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया 1 बारीक कटी प्याज, 1 बारीक कटा टमाटर, थोड़े से धनिया पत्ते, 1 हरी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक, इन सारी चीज़ों को डाल देंगे। और सब्ज़ियाँ यहाँ आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये एक कटोरी छोटी डाल दी है बॉईल की हुई मटर। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाल देंगे जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच डाल देंगे नमक और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने जैसा कि बताया कि सब्जियां आप इसमें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, जो भी आपको पसंद है, जो सब्जियां आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं या जो सब्जी घर में सबको पसंद है, वो ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टफिंग हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को वॉश कर लेंगे और उसके बाद सिंपली इसकी इस तरीके से टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से टिक्कियाँ बना लेंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से टिक्कियाँ बनाकर हम साइड में रख लेंगे। और आप चाहें तो आप इन टिक्कियों को शैलो फ्राई या डीप फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, जल्दी थी, तो इसलिए मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया है। और इधर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर भी तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, पहले पतला था अब है। ये जो है परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की। तो देखिए बैटर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, एक नॉनस्टिक तवा लेंगे और एक बड़े चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा बैटर इस पर डाल देंगे, तवे पे थोड़ा सा, तवे पे ऑयल लगा देंगे और थोड़ा थोड़ा सा बैटर, ये देखिए बड़े चम्मच से इस तरीके से डाल देंगे और फिर साइड में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और फिर हम इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। आपको अगर जल्दी है तो आप इसे ढककर भी पका सकते हैं, ढककर पकाने पर थोड़ा सा और जल्दी पक जाएगा। तो देखिए एक तरफ से ये अच्छे से सूख गए हैं, तो अब हम इन्हें पलट देंगे इस तरीके से, देख सकते हैं ये देखिए। दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा ऑयल डालकर दूसरी तरफ से भी इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं, निकाल लेंगे इसे एक प्लेट में। और अब हम बना लेंगे अपने बर्गर के लिए सॉस। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ली है टमाटो सॉस और 1 चम्मच लिया है मैंने मेयोनीज, और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और आपकी बर्गर वाली सॉस जो है बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम असेंबल कर लेते हैं अपने बर्गर को। तो अभी जो हमने सूजी के चीले बनाए हैं या सूजी के आप बन बोल सकते हैं, इस पर क्या करेंगे हम, ये जो सॉस हमने बनाई है ये लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो टिक्कियां हमने बनाई थी ये लगा देंगे। और आप चाहें तो टिक्कियों को शैलो या डीप फ्राई कर लें तो इसका टेस्ट और इन्हेंस होकर आएगा। तो ये देखिए मेरे पास टाइम कम था, मैं सुबह बच्चे के लिए टिफिन के लिए बना रही थी, मुझे लगा हो जाएगा, पर शूट वगैरह करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है तो इसलिए मैंने फ्राई नहीं किया। पर मैंने सोचा था कि मैं इन्हें शैलो फ्राई करूँगी तो नहीं कर पाई हूँ। आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई कर सकते हैं और उसके बाद जो भी सब्जियाँ आपको पसंद हो, प्याज टमाटर खीरे के स्लाइस, वो रख दें और उसके बाद दूसरे चीले से इस तरीके से ढक दें और आपका बिल्कुल
टेस्टी सा हेल्दी सा सूजी का जो है बर्गर बनकर तैयार है। यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है और आपने देखा कि समय भी कितना कम लगा है और आप इसे बच्चों के टिफिन में या शाम के टाइम नाश्ते में सुबह के टाइम नाश्ते में कभी भी बनाएं, हेल्दी टेस्टी झट से तैयार हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।